स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर। हरि सिंह नलवा एक लेजेंडरी सिख कमांडर जिन्होंने 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान के टर्बुलेंट फोर्सेस जैसे कि अफगानी लैंडलॉर्ड्स, किंग्स, ट्राइबल लीडर्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करने से रोका और इन सभी अफगानीज को उनकी टेरिटरी में रिस्ट्रिक्ट करके रखा, जिसके बाद फाइनली 1807 में हरि सिंह नलवा जी ने अफगानिस्तान के कुछ एरियाज को कैप्चर कर लिया। हरि सिंह नलवा शेर ए पंजाब कहे जाने वाले महाराजा रंजीत सिंह के कश्मीर, हजारे और पेशावर टेरिटरी के कमांडर थे। नलवा इतने कामयाब थे कि 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान की माएं अपने बच्चों को शांत करने के लिए हरि सिंह नलवा के नाम से डराती थी। इवन शोले मूवी का लेजेंडरी डायलॉग, यहां से 50-50 कोस दूर जब गांव में रात को बच्चा रोता है तो उसकी माँ उस बच्चे को कहती है, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, ये डायलॉग भी इसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड था। कुछ इस तरह का दबदबा था कमांडर हरि सिंह नलवा का, क्योंकि उन्हें बहुत सारे अफगानीज को हराया और उन्हें खैबर पास के थ्रू पंजाब में आने से रोका। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने सिख एम्पायर को भी एक्सपैंड किया, जिसके चलते पेशावर 1818 में सिख स्टेट का पार्ट बना। इसके अलावा पास्ट में चाहे आर्यंस हो या सीथियंस या फिर टर्क्स, सभी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को नॉर्थ वेस्ट से ही इन्वेड किया है। पर आज इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न एज पर हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फ्रंटियर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इंडिया के मैप्स की तरफ नजर डालें तो हमें इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर हर मैप में देखने को मिलता है। साथ ही ज्योग्राफी के बुक्स जैसे कि एनसीईआरटीज या स्टैंडर्ड एटलसेस में भी इंडिया का क्लियरली बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ डिमार्केटेड है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर भी इंडिया अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर मेंशन्ड है। तो क्या इंडिया और अफगानिस्तान लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और अगर करते हैं तो इस बॉर्डर की क्या स्टोरी है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे समय पर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते थे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, पर फिर भी आपको अपनी प्रिपरेशन में क्वालिटी नहीं मिलती थी। और अगर आप अपने से पहले के एस्पिरेंट्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करें तो आपको उस समय के चैलेंजेस के बारे में बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन आज दोस्तों टेक्नोलॉजी ने इस प्रिपरेशन को अफोर्डेबल के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी का भी बना दिया है, और आज लगभग सभी लोग अपने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच, जहां आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी और आपको यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सही दिशा दिखाई जाएगी। दोस्तों यहां आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। साथ ही इस बैच का बेस्ट फीचर है मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि MRP, जिसके तहत प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपकी दिल्ली NCR में ठहराकर प्रॉपर फूडिंग एंड लॉजिंग के साथ मींस की 1-on-1 प्रिपरेशन करवाई जाएगी। दोस्तों इस बैच में आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में एडमिशन ले पाएंगे अगर आप यूज करते हैं कोड RT लाइव का। और अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी डाउट और हो तो दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इस बैच की लाइव क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो पर वापस आते हैं। ये वीडियो यूपीएससी के GS Paper 1 एंड GS Paper 2 के लिए रिलेवेंट है। वर्ल्ड में आज मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स का जेनेसिस कॉलोनियल एम्पायर से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान का इंडिया पाकिस्तान से बॉर्डर भी ब्रिटिश राज की हिस्ट्री के साथ जुड़ा है। दोस्तों आज ड्यूरैंड लाइन, जो अप्रोक्सीमेटली 2670 किलोमीटर का एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ पार्ट्स को डिवाइड करती है, जिसको इंडियन सिविल सर्विस के एक ब्रिटिश डिप्लोमैट मोर्टाइमर ड्यूरैंड और इमारत ऑफ अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान के बीच 1893 में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद एक एग्रीमेंट के थ्रू डिमार्केट किया गया था। दोस्तों ज्योग्राफिकली देखें तो ये लाइन ईरान से लेकर चाइना तक एक्सटेंड होती है, पर मेनली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एंड भारत के गिलगित बल्तिस्तान को अफगानिस्तान के सदर्न प्रोविंस से अलग करती है। देखिए दोस्तों लेट 19th सेंचुरी ग्रेट गेम का टाइम था, जब ब्रिटिश एम्पायर और रशिया में सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करने की होड़ चल रही थी।
और इसी ग्रेट गेम के दौरान ड्यूरैंड लाइन को ब्रिटिश एम्पायर ने डिमार्केट करके अफगानिस्तान को रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच एक बफर स्टेट बना दिया। हेंस दोस्तों, ड्यूरैंड लाइन भी ब्रिटिश एम्पायर की ही देन थी और इस लाइन के थ्रू भी ब्रिटिशर्स ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस रीजन में इंप्लीमेंट की। पश्तूंस, जिन्हें पठान्स भी कहा जाता है, आज ड्यूरैंड लाइन के दोनों ओर मिलते हैं। वहीं ब्रिटिश राज के दौरान पश्तूंस ने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट अच्छा रेजिस्टेंस शो किया था और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने पश्तूनों को डिवाइड और अफगानिस्तान को वीक करने के लिए ड्यूरैंड लाइन ड्रॉ कर डाली। साथ ही ड्यूरैंड लाइन को डिमार्केट करते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री से भी लेसन लिए और इस बात का ख्याल रखा गया कि खैबर पास, बोलन पास और गोमल पास जो इंडिया में इन्वेजन करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो ब्रिटिश इंडिया की साइड में फॉल करें, क्योंकि इंडिया में जितने भी इन्वेडर्स आए थे वो इन पासेस के थ्रू ही आए। पर 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ये ड्यूरैंड लाइन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इनहेरिट की, जहां ड्यूरैंड लाइन पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ डिफाइन कर रही थी। वहीं ये लाइन जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट का बॉर्डर अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के साथ डिमार्केट भी कर रही थी और इसी बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट को कैप्चर करने के लिए ट्राइबल पश्तून इन्वेजन शुरू की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद की गुहार लगाई और इंडिया में फॉर्मली इंडक्ट होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन किया। दोस्तों, यहां मैं आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट का ही पार्ट था और 1839 में कमांडर जोरावर सिंह ने इस रीजन को जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट का पार्ट बनाया और आज दोस्तों यही रीजन अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 1947 में एक्सेशन के बाद इस रीजन में राजा हरि सिंह के अगेंस्ट गिलगित स्काउट्स द्वारा म्यूटिनी शुरू हुई, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने इस रीजन को कैप्चर कर लिया और बल्तिस्तान से होते हुए सकारदू तक के रीजन पर कब्जा कर लिया। लेकिन इंडियन आर्मी के रेजिस्टेंस की वजह से सकारदू के आगे पाकिस्तानी फोर्सेस नहीं बढ़ पाई और इसीलिए कारगिल और लद्दाख इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का पार्ट है और जम्मू कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान के बीच LOC डिमार्केट करी गई। दोस्तों, जिसकी स्टोरी हम इंडियाज LOC प्लान वीडियो में देख चुके हैं, तो दोस्तों LOC के ऊपर और डिटेल के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज गुजरात के सर क्रीक से लेकर जम्मू कश्मीर में रिवर मुनव्वर तवी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है और मुनव्वर तवी से लेकर लद्दाख के पॉइंट NJ 9842 तक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC है, जिसे 1971 की वॉर तक सीज फायर लाइन कहा गया और 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और NJ 9842 से लेकर सियाचिन ग्लेशियर के वेस्टर्न एंड तक AGPL यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, जो इंडिया चाइना पाकिस्तान के ट्राई पॉइंट पर एंड होती है एंड इसको 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के बाद डिमार्केट किया गया। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि नॉर्थ में आज करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडिया सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर साझा करता है, लेकिन हमारा भारत ऑन पेपर और लीगली अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के साथ 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर तो शेयर करता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान आज पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है। हेंस अफगानिस्तान से बॉर्डर होने के बावजूद हम इस बॉर्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के क्रॉस रोड्स पर लोकेटेड है एंड अफगानिस्तान के थ्रू एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया तक इजीली पहुंचा जा सकता है। तो सोचिए, अगर आज भारत के पास अफगानिस्तान बॉर्डर का एक्सेस होता तो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। इस बॉर्डर पर कंट्रोल के साथ हमारी कनेक्टिविटी डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ हो जाती, हेंस हमें अफगानिस्तान को एक्सेस करने के लिए ईरान के चाबहार और डिलराम सांजरांज हाईवे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता और अफगानिस्तान के थ्रू हम आगे सेंट्रल एशिया, रशिया एंड यूरोप की मार्केट्स को बाय लैंड एक्सेस कर सकते। साथ ही अफगानिस्तान को भी इंडिया के थ्रू इंडियन ओशन का एक्सेस मिल जाता, जो अफगानिस्तान की ईरान और पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी कम कर देता। ऑल्दो कुछ लोग कहेंगे कि वखान कॉरिडोर की ट्रेचरस टेरेन में कनेक्टिविटी बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम टनल्स के थ्रू इस रीजन को डेफिनेटली बाय लैंड कनेक्ट कर सकते थे। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आज इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर इंडिया के कंट्रोल में होता तो पाकिस्तान और चाइना के बीच आज कोई लैंड बॉर्डर नहीं होता।
करंटली चाइना और पाकिस्तान हाई काराकोरम्स में 596 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं और इंडियन टेरिटरी के थ्रू चाइना आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बिल्ड कर रहा है, जिसके अगेंस्ट इंडिया बहुत बार आवाज उठा चुका है। हेंस अगर ये बॉर्डर इंडिया के कंट्रोल में होता तो इजीली पाकिस्तान और चाइना की इंडिया के अगेंस्ट इस अनहोली नेक्सस को तोड़ा जा सकता था और गिलगित बल्तिस्तान के हायर ग्राउंड से हमारी आर्मी को दोनों चाइना और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलती और अफगानी अफेयर्स में इंडिया का लार्जर से होता। साथ ही इस बॉर्डर के थ्रू सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट गैस पाइपलाइंस इंडिया में लाई जा सकती, यानी कि आज की तापी पाइपलाइन जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पार्टिसिपेंट्स हैं और पाकिस्तान की वजह से इस पाइपलाइन में डिले देखने को मिल रहा है, ये पाइपलाइन विदाउट पाकिस्तान इंडिया तक लाई जा सकती थी। दोस्तों, अफगानिस्तान से लैंड कनेक्टिविटी का फायदा सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को होता, जो एक मेजर इंटरनेशनल लॉजिस्टिकल हब बन जाता। इसके अलावा रिसेंटली एनविजन्ड इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की तरह इंडिया सेंट्रल एशिया यूरोप कॉरिडोर के थ्रू इंडिया अपने फॉरेन ट्रेड को बूस्ट कर पाता और सेंट्रल एशियन एनर्जी से हम अपना इम्पोर्ट बिल भी बचा सकते। अब यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि अच्छा है कि इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करते, क्योंकि अफगानिस्तान से रेडिकलिज्म, टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी इंडिया में स्पिल ओवर हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, इस बॉर्डर के जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स इन डिसएडवांटेजेस को लॉन्ग शॉट से ओवरशैडो करते हैं। साथ ही ये सब इश्यूज बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट से इजीली कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या फ्यूचर में इंडिया दोबारा से इस हिस्टोरिक बॉर्डर पर कंट्रोल बना पाएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस प्लान के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो पर एम करते हैं 20,000 लाइक्स के। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।